सीमा जागरण मंच के तत्वावधान में सशस्त्र सीमा बल दीक्षांत परेड ग्राउंड फर्टिलाइजर में सशस्त्र सीमा बल के जवानों एवं अधिकारियों को मंच की बहनों ने प्रांतीय संरक्षिका पूर्व मेयर डॉ. सत्या पांडे के नेतृत्व में जवानों एवं अधिकारियों को रक्षा सूत्र बांधा। इस मौके पर महापौर डॉ. सत्या पांडे ने देश के वीर सपूतों को दीर्घायु होने की कामना करते हुए माँ भारती की रक्षा के लिए शुभ आशीष व्यक्त किया। इस अवसर पर सशस्त्र सीमा बल के डिप्टी कमांडेंट सरदार सिंह चौहान ने सीमा जागरण मंच के कार्यकर्ताओं एवं बहनों के जवानों के बीच पारिवारिक उत्सव मनाने के लिए हार्दिक स्वागत करते हुए धन्यवाद दिया। इस मौके पर मंच के महानगर अध्यक्ष डॉ. राकेश श्रीवास्तव, मंत्री अभिषेक राय, संकल्प श्रीवास्तव, प्रांतीय महिला संयोजिका ममता जायसवाल, सुमन श्रीवास्तव, रंजना श्रीवास्तव एवं समस्त कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्व महापौर डॉ. सत्या पांडे और SSB के डिप्टी कमांडेंट सरदार सिंह चौहान ने कहा, भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आप ले लो अब इधर बांधेंगे, इधर लाइए। हमारा एक लड़का कोई भर्ती नहीं हुआ, लेकिन मैं आया दिन उसको ट्रेनिंग भी दे दी, लेकिन हमारा भी बहुत का खाना होता है, एक को ऑक्सीजन भी देनी पड़ी, बस खाली उनको जो टैबलेट है वो देते हैं हम और मॉनिटर करते हैं। एक एडमिट नहीं हुआ और उसको करवा के गया थे, कुछ नहीं हुआ। विगत कई वर्षों से, जब मैं महापौर नहीं थी उसके पहले से ही ये रक्षाबंधन का कार्यक्रम सैनिक भाइयों को और बॉर्डर पे भेजने का कार्यक्रम करती थी, और आज भी वो हम लोग कर रहे हैं बहनों के साथ आके यहाँ पे SSB कैंप पे राखी बांधने का हम लोग कार्यक्रम आज किए हैं। रक्षाबंधन अभी निकट है, 22 तारीख को है, आज 17 तारीख को, ये रक्षा सप्ताह के तौर से हमारी योजना पिछले वर्षों से है, क्योंकि लोग जाने एक जश्न की तरह इसको लोग मनाएं। और पहले से ही मैं लड़कियों के बीच में जो कन्याएं ग्रामीण क्षेत्रों में जो ऐसी जगहों पे रक्षा बांधने का जो उन लोगों का कार्यक्रम रहता, मैं उनको से ही हम कंपटीशन करा के रक्षा बनवाते थे, और उन लोगों से वो बहुत मर्माहत पत्र भी लिखती थी,
उसको हम बॉर्डर पे भेजते थे और वही राखी हम भाइयों को भी बांटते थे। अभी कोरोना के कारण इन भाइयों को हम पिछले वर्ष नहीं हो पाया, अब की वर्ष हम लोगों ने फिर से शुरुआत किया है और बहुत खुशी की बात है कि भाई बहुत प्रसन्न है। वो सैनिक भाई लोग कह रहे हैं कि बहनें केवल मई साल में एक बार ना आए, एक बार और आए। तो अभी हम लोगों ने हमने विचार किया है कि अब हम लोग भैया दूज का टीका भी लगाने भाइयों को आएंगे। इनके यश जीवन की कामना करती हूँ, ये यशस्वी हो, क्योंकि माँ भारती की रक्षा करते हैं, ये हमारी माँ भारती के संतान है। ईश्वर से प्रार्थना है कि इन्हें इतनी शक्ति दे कि हमारी माँ भारती के तरफ कोई बुरी नज़र भी उठा कर न देखे। बहुत बहुत धन्यवाद। पवित्र त्यौहार पर महापौर हमारी बड़ी बहन आज हमारे बीच में आई हैं और ये हम सब सैनिकों के लिए बहुत ही सम्मान का विषय है कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर केवल गोरखपुर के भाइयों का नहीं बल्कि देश के सारे हिस्सों से आए हुए हमारे ट्रेनीज भाइयों का भी हौसला अफजाई की है। और चूंकि वो घरों से, सभी को पता है कि फौज घरों से बाहर रहती है, तो इस प्रकार के जो त्यौहार है उसको मनाने का हमारे पास टाइम नहीं मिलता है। बहुत सारी शेड्यूल्स हमारे ऐसे होते हैं जिसको हम छोड़ नहीं सकते हैं, और वो जो कमी है, जो घर की कमी है, वो आज आपने पूरी की। तो हम पूरे SSB परिवार की तरफ से आपका और आपके साथ आए सभी आगंतुकों का बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करते हैं और ऐसी आशा करते हैं कि ये जो सिलसिला है ये भविष्य में इसी प्रकार बना रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।